इस काम में मैं अपनी बेटी को भी टाइम दे पाती हूँ पूरा, बाकी किसी भी काम में मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पा रही थी। तो भैया द्वारका घूमते घूमते हमें दिखा एक बहुत ही बेहतरीन सा घर का खाने का सेटअप, वो भी भाई बिल्कुल रोड साइड पे। और भाई ये घर के सेटअप का नाम जो है ये है दीदी की रसोई, जहाँ पर बहुत ही रीजनेबल रेट में बहुत ही अच्छा खाना आपको खाने के लिए मिलने वाला है, ये चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम कब से शुरू किया आपने ये सर? फूड का बिजनेस वैसे मैं 3 ईयर से कर रही हूँ, बट यहाँ पे हम लगभग 3.5 महीने के आसपास से यहाँ पर हैं। अच्छा, तो जो 3 ईयर वाला बिजनेस है वो मतलब किस चीज का? वो हमारी शॉप है मटियाला में, जहाँ पे हम स्नैक्स, फूड और कैटरिंग की सर्विसेज ये वाले सारे काम करते हैं। हम लोग कैटरिंग के ऑर्डर्स भी लेते हैं, तो वहाँ पे अभी तक हम बुक कर रहे थे और घर से ही कर रहे थे पहले, तो अब हमने यहाँ पे स्टॉल सेटअप किया है। अच्छा, तो मैम कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी? रिस्पॉन्स अच्छा है, लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत जो भी लोग आते हैं वो डेली रिपीटेड लोग हैं। अच्छा, तो हमारे पास डेली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो मैम आप वैसे देखो देखने से तो काफी एजुकेटेड भी लग रहे हो, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? जी मैंने 10 ईयर्स मीडिया में जॉब करी है, उसके बाद मैंने 3.5 ईयर दिल्ली ट्रॉफी कंपनी है वहाँ पे एज अ मैनेजर ऑपरेशंस काम किया है, उसके बाद अब मैं अपना बिजनेस कर रही हूं। अच्छा, तो मैं फिर जॉब वैसे छोड़ी क्यों? वैसे आप इतने साल से हो जॉब लाइन में, ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए। ऑलमोस्ट 17 इयर्स हो गए। 17 इयर्स? यस। अरे क्या बात है। तुम कैसे ख्याल आया फिर इस सेटअप का? मुझे अपना बिजनेस ही करना था, मेरा प्लान शुरू से ही था मुझे अपना बिजनेस करना था, और फूड में मेरा इंटरेस्ट था। इस काम में मैं अपनी बेटी को भी टाइम दे पाती हूँ पूरा, बाकी किसी भी काम में मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पा रही थी। अच्छा, ये भी जरूरी। यस। ओके ओके, तो मैम खाने में क्या क्या होगा आज एक बार दिखाएंगे हमें? बिल्कुल बिल्कुल जी, खाने में राजमा होंगे, ये हमारे पंजाबी स्टाइल राजमा होते हैं। अच्छा, पंजाबी स्टाइल राजमा? यस यस यस, मैं पंजाबी हूँ, मेरा नाम टीना अरोड़ा है। टीना अरोड़ा? यस यस यस, आपको ये गाढ़े राजमा मिलेंगे एकदम। बढ़िया लग रहा है राजमा तो जी, पंजाबी स्टाइल राजमा बिल्कुल। ये हमारे पास राइस है, बासमती राइस है, जीरा लगा के? जीरा लगा के, जीरा, तेज पत्ता, ये सारी चीजें डाल के हम बनाते हैं। ओके, कढ़ी पकौड़ा मिल जाएगा आपको? कड़ी पकोड़ा? यस, ये हमारे यहाँ बहुत चलते हैं पकोड़े, कभी हम पालक के बनाते हैं, कभी प्याज के बनाते हैं, एज पर अवेलेबिलिटी जो भी चीज हमें मिल जाए, अगर पालक रेगुलर मिल जाती है तो पालक, अदरवाइज प्याज के। अच्छा, और सीजनल वेज डेली हम चेंज करते हैं, आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, ये डेली चेंज होती है, जैसे कल हम करेला लाए थे, परसों हम कुछ और लाए थे, ऐसे ये डेली चेंज होती है। अच्छा, टाइमिंग्स क्या रहेंगी मैम? टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली 10-10:30 मैं यहाँ आ जाती हूँ, और 2:30-3 बजे तक मैं यहाँ होती हूँ। अच्छा, और छुट्टी किस दिन रहती है? संडे ऑफ होता है। संडे ऑफ होता है? संडे ऑफ होता है। अच्छा, मैम रोटियां दिखाएंगे एक बार? बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोटियां दिखाएंगे, रोटियां देखिए बिल्कुल मक्खन लगी हुई रोटियां। अच्छा, बटर लगा के लाते हो? आप इसको बिल्कुल कैसे भी मरोड़ लीजिए, रोटी एकदम सॉफ्ट। अच्छा, सॉफ्ट रोटी निकली? बिल्कुल बिल्कुल, घर की रोटी है। मैम गर्मी में रायता है नहीं है? बिल्कुल है जी, रायता क्यों नहीं होगा, ये देखिए रायता है एकदम ठंडा ठंडा बर्फ वाला। अच्छा, कितने रुपए गिलास होगा रायते का? 10 रुपीज ग्लास। 10 रुपीज ग्लास है? यस यस। अच्छा, तो जैसे हमने देखा आपने थाली भी रखी है 80 और 100 की। यस, थाली थाली मेरे पास 50 के भी है जो नॉर्मली लोग खा सकते हैं, जिसमें 4 रोटी 2 सब्जी सैलेड चटनी अचार आता है। उसके बाद 80 की थाली है जिसमें 2 सब्जी 4 रोटी चावल रायता अचार चटनी सलाद है। उसके बाद 100 का है जिसमें 3 सब्जी है, 3 सब्जी रायता चावल रोटी सलाद अचार चटनी। अच्छा, मतलब 80 वाली में जो 10 रुपीज ग्लास का रायता वो इंक्लूडेड हो जाता है? यस, वो भी इंक्लूड है और राइस भी इंक्लूड है। राइस भी इंक्लूड कर दिया आपने? यस यस। चलिए बहुत बेहतरीन, तो भाई थाली लगवाते हैं मैम से, फिर आपको टेस्ट भी आज जरूर बताएंगे हम। तो चलो भाई, सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ के राजमा चावल लगते हुए दिखा देता हूँ, जो कि रहते 60 रुपए के। आपको आइडिया लग जाएगा कि चावल में भी भाई यहाँ पर फुल प्लेट चावल में क्या क्वांटिटी मिलती है और कैसी ये सर्व करते हैं। तो भाई चावल का पूरा कंटेनर ही इन्होंने भर दिया था, और ऊपर से देखिए कितनी बढ़िया परत जमा दी इन्होंने राजमा की, देखो कम पड़ने ही नहीं वाले, और पैकिंग में जा रहे हैं ये। यहाँ खड़े होकर तो अब रिफिलिंग करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ पैकिंग में जाते हैं वहाँ एक्स्ट्रा ही देना ही पड़ता है। और ऊपर से देखिए चावल की परत भी बिछा दी, क्या बात है भाई, पूरी एकदम से सफ़ेद कर दी भाई, पूरी पहले लाल करी फिर सफ़ेद करी चावल की प्लेट, और कुछ मत समझ लेना। साथ में भाई आपको सैलड मिल जाएंगे प्रॉपर, यहाँ पर खीरा हो गया, प्याज हो गए, चटनी मिल जाएगी, अचार होगा, अचार मिल जाएगा। तो भाई काफ़ी अच्छा खाना भाई यहाँ पर खिलाते हैं, और द्वारका में जितना मैंने देखा है ना होममेड फूड भाई बहुत ही कम मिलता है। ठीक है जी, तो चलो अब अपनी मैं थाली लगते हुए दिखा देता हूँ, जो कि रहेगी 100 रुपये की। तो 100 रुपये की थाली में क्या क्या जाएगा भाई आप लोग देखते चले जाइए। अपनी ये क्वान्टिटी के भाई राइस रहते हैं, अपने आप देख सकते हैं जीरा राइस रहते हैं, रिफिलिंग सब्जियों की हो जाती है यहाँ पर, आप कोई सी भी सब्जी ले सकते हैं। 3 सब्जियों के ऑप्शन होते हैं, राजमा ले लो, कढ़ी ले लो, मिक्स वेज की सब्जी ले लो, देखो रिफिलिंग हो रही है, उन्होंने सिर्फ कड़ी कड़ी मांगी थी। अगर पकोड़ा चाहिए तो भाई वो भी मिल जाता है, साथ में आपको मिलेगी 4 रोटी, सैलड मिलता है प्रॉपर, और भाई मिलेगी चटनी। तो चलिए अब इस बढ़िया सी थाली को भाई टेस्ट करके बताते हैं। तो भाई दिल्ली की सड़कों पे एक बड़ी ज़बरदस्त सी थाली दिखाने वाला हूँ आपको मैं, बड़ी बेहतरीन थाली मात्र 100 रुपये की मिलने वाली है,
और तीन सब्जियां मिलेंगी भाई इसमें, इंक्लूडेड है इसमें रायता भी भाई आपको, और देखिए चार रोटी मिलने वाली है, दो अभी हम बाद में लेंगे, और रोटी भी प्लेन नहीं है भाई, इस पर कुछ लगा हुआ है, देखिए बेहतरीन सी रोटियाँ और ज़बरदस्त राइस मिलेंगे खिले खिले ज़ीरे के साथ में। तो फर्स्ट बाइट लेता हूँ, उस जायका आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश रहेगी, आप बने रहिए वीडियो में। तो फर्स्ट ट्राई करते हैं हम इनका राजमा भाई, पंजाबी राजमा ज़बरदस्त है, बेहतरीन टेस्ट है, ज़बरदस्त लग रहा है मुझे राजमा, ज़्यादा इसमें मसाले कोई तेज़ नहीं है। मैम ने बोला घर का खाना है, मेरे बाकी में घर का खाना है, बेहतरीन खा सकते हैं। दूसरी बात हम कड़ी के लेते हैं भाई, कड़ी जैसी होनी चाहिए, हल्की सी खटास है इसमें, ज़बरदस्त लग रही है भाई, बेहतरीन कड़ी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। थर्ड वन इसका भाई ले लेते हैं अपनी सब्ज़ी, जो आलू शिमला मिर्च की है, सूखी सब्जी, इसके साथ ले लेते हैं भाई प्याज और थोड़ा सा खीरा ले लेते हैं, एक पूरी बाइट बना लेते हैं भाई, ज़बरदस्त ये हमारी पूरी बाइट हो गई भाई दीदी की रसोई के, ओवरऑल मुझे सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लगी। आप भी इस खाने को ट्राई करना चाहते हो तो आए वंदना इंटरनेशनल स्कूल के पास, सामने है प्रियंका पार्टी हॉल, और मैम खड़ी होती है यहाँ पे दीदी की रसोई, सामने बोर्ड लगा हुआ है, संडे की छुट्टी रहती है भाई, 10:30 बजे से 2:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है इनका खाना, उसके बीच में आइए और ज़बरदस्त खाना ट्राई करिए।